24 घंटे का टाइम है, खुद नहीं आई तो इस रावण से बचाने के लिए कोई राम नहीं आने वाला। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ शोएब। ईद के मौके में शाहरुख खान और अक्षय की फिल्मी टक्कर की खबर हमने आपको पहले ही दी थी, लेकिन अब ताज़ा अपडेट ये है कि शाहरुख की रिक्वेस्ट पर अक्षय की फिल्म पोस्टपोन हो गई है। जी हां, खिलाड़ी अक्षय की सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अगेन ईद के मौके पर यानी 8 अगस्त को रिलीज होने वाली थी। इत्तेफाक से उसी दिन रोहित शेट्टी डायरेक्टेड एक्शन कॉमेडी से भरपूर फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस भी रिलीज होने वाली है। 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। जाहिर है बॉलीवुड के खिलाड़ी और रोमांस के बादशाह शाहरुख की फिल्म एक ही दिन रिलीज होती तो फिल्म के कलेक्शन पर काफी असर पड़ता। डीसी के साथ जो हुई तुम उसका सोलो विटनेस, इसलिए तुम हमारे साथ कुंभन गांव जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले। इस नुकसान से बचने के लिए बालाजी प्रोडक्शन हाउस ने अपनी फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अगेन की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी है। अब ये फिल्म 15 अगस्त के मौके पर रिलीज होगी। एकता कपूर पहले इस बात के लिए राजी नहीं थी कि उनकी फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जाए। खबर है कि उन्हें अपने पिता जितेंद्र के कहने पर ऐसा करना पड़ा। शाहरुख और जितेंद्र के बीच वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अगेन की रिलीज की तारीख टालने के लिए बैठक हुई, जिसपे शाहरुख ने फिल्म की रिलीज डेट बढ़ाने की गुजारिश की। इसके बाद ही जितेंद्र ने एकता को फिल्म की डेट आगे बढ़ाने की सलाह दी। अपने धंधे की एक सेइंग है, जहां तीन का तिगड़ा वहां काम बिगड़ा। वेल, अब ये दोनों ही फिल्में वीकेंड पर रिलीज होगी, जिससे फिल्म के कलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। एकता कपूर भी इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता और शाहरुख ने मिलकर ये फैसला लिया। मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है। अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? वेल, देखा जाए तो बालाजी फिल्म्स के लिए ये एक फायदे का सौदा है, क्योंकि शाहरुख की चेन्नई एक्सप्रेस किसी मायने में कमजोर नहीं है। एक सुपरस्टार के साथ एक दिलकश हसीना और तड़का लगाने के लिए बॉलीवुड के बेस्ट एक्शन कॉमेडी डायरेक्टर रोहित शेट्टी किसी दूसरे फिल्म को फीकी करने के लिए काफी है। बालाजी टेलीफिल्म्स ने तो काफी समय इंतजार भी किया कि शायद रोहित शेट्टी अपनी रिलीज डेट बदल दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आखिरकार वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई अगेन की रिलीज डेट 7 दिन टाल दी गई। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इन सब के पीछे रोहित शेट्टी का दिमाग है, क्योंकि वो अजय देवगन के अच्छे दोस्त हैं और सन ऑफ सरदार और जब तक है जान वाली कंट्रोवर्सी को रोहित दोहराना नहीं चाहते। छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी। पूजा साहू के साथ माधुरी टांग, जानो दुनिया।